हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। तो आज हम कक्षा 8 के अध्याय 2 एक चर वाली रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.2 को क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आज हम पहले कुछ इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण नंबर पहला क्या कहता है, कहता है 6x+1/3+1 बराबर x-3/6। अब ये हमारा दिया है समीकरण, अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें करेंगे क्या, लिखते हैं यहाँ बगल में, लिखते हैं दोनों पक्षों पर 6 का गुणा करने पर। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सर आपने 6 का गुणा यहाँ क्यों कर दिया है, कैसे क्यों दोनों का 6 का गुणा। तो देखिए, जब इस तरह के सवाल आते हैं तो 6 का गुणा कैसे लिया, इन दोनों हर का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। हर का क्या लेते हैं, यहाँ नोट डाउन करके लिखिए, हर का एलसीएम लेने पर, यहाँ नोट डाउन बगल में कर लीजिए, हर का एलसीएम लेने पर। तो अब देखिए, भाई 6 का क्या करेंगे, दोनों में गुणा करेंगे, तो करते हैं, रखते हैं 6 सभी के अंदर गुणा करेंगे, ये हो गया सभी में अंदर गुणा, प्लस है इसमें भी गुणा करेंगे 6×1 बराबर, इसमें भी 6 का गुणा करेंगे तो 6 उष्टक हो जाएगा x-3/6। अब देखिए 3 से 6 जाएगा तो 2 बार में चला जाएगा, 6 से 6 जाएगा तो एक ही बार में चला जाएगा। अब 2 का अंदर सभी में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 का अंदर सभी में गुणा करेंगे, तो करके देखते हैं, करते हैं 2 का अंदर सभी में गुणा करते हैं तो आएगा यहाँ 12x, 2×6=12x हो गया, प्लस 2 का 2 हो जाएगा, 2×2 प्लस 6×6 हो गया। देखिए यहाँ क्या बचा, x-3 बचा कि नहीं बचा, देखिए अब x-3 हो गया। अब देखिए इनका क्या करते हैं, अब इसको जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 12x+8, 2 और 6 को क्या कर जोड़ दिया अपने, तो x-3 हुआ। अब देखिए x एक जगह ले लेते हैं और अंकों की संख्या एक तरफ ले लेते हैं, तो x का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, करते हैं 12x प्लस में है x, तो इस तरफ किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब ये 8 प्लस में है, उस तरफ किस में जाएगा, माइनस में, तो ये ऑलरेडी माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 12x-x तो बचेंगे 11x, अब -3 -8 हो जाएगा -11, और x बराबर हो जाएगा -11, तो x बराबर बचेगा, दोनों कट जाएंगे तो बचेगा -1। तो हमारा x का क्या निकल आया, मान निकल आया। चलिए तो अब x बराबर हमारा क्या आ गया, -1। अब देखते हैं हमारे उत्तर की जांच सही है कि नहीं, हमारा x बराबर -1 सही है कि नहीं है। तो चलते हैं पहले समीकरण में, पहला समीकरण हमारा था, यहाँ लिख देते हैं उत्तर की जांच, क्या लिख देते हैं, उत्तर की जांच लिख दिया। अब उत्तर की जांच करते, हमारा पहला समीकरण क्या कहता था, कहता था 6x+1/3+1 बराबर x-3/6। देखिए अब x की जगह क्या रखना है, हमें -1 रखना है, तो रखते हैं x की जगह -1, ये रखा +1 किया भाई, अपॉन में 3 किया +1, यहाँ -1 रखा, 3 6 हो गया। अब देखिए विन का इंटू होगा तो ये तो -6 हो जाएगा ना, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। देखिए -1 -1 -3 हो जाएगा -4/6, -4/6 हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा -5, क्योंकि -6+1 तो दोनों होगा माइनस, जिसका संख्या बड़ी होती है उसका क्या लेते हैं, चिन्ह लेते हैं। तो माइनस का ले लिया, -5/3 ये प्लस में है, इसको बटे में 1 रखेंगे क्योंकि इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो बटे में लिया। फिर इनका लिया क्या लिया हमने, एलसीएम लिया, ये तो जो कहते हैं वो आ जाएगा, क्योंकि 3 से 3 भाग देंगे 1 बचेगा, 1 का गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब 3 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन कोड़ा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, +3 आएगा, ये हो जाएगा -4/3। अब देखिए -5+3 तो दोनों घट जाएंगे, तो हमारे बचेगा -2/3 -4/6 यार अभी तब भी बराबर नहीं आया, तो देखते हैं ये कुछ कटता है क्या, हाँ 2 से कट जाएगा, काटते हैं 2 से 2 4 2 3 6, यानी हमारा दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, यानी हमारा -1 आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए अब दोबारा किताब की तरफ आते हैं कि हमारा पहला सवाल क्या कहता है 2.2 का, तो देखते हैं पहला सवाल हमारा 2.2 का क्या कहता है, देखते हैं प्रश्न नंबर
एक क्या कहता है हमारा, कहता है निम्नलिखित, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, निम्नलिखित रैखिक समीकरण, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, रैखिक समीकरण को क्या कीजिए, हल कीजिए, हल कीजिए, रैखिक समीकरण को हल कीजिए। तो देखते हैं इसमें हमारा पहला सवाल क्या कहता है। इसका पहला सवाल कहता है एक्स बटे दो माइनस एक बटे पाँच बराबर एक्स बटे तीन प्लस एक बटे चार। अब देखिए इसको क्या करना है हमें, सॉल्व करना, तो करते हैं सॉल्व। चलिए क्या कहता है, कहता है ये देखिए इसमें एक्स की एक्स वाली संख्या है जो, उसको एक तरफ लेते हैं और अंकों वाली संख्या को इस तरफ लेते हैं। कैसे लेंगे इसको, पक्षांतर करके। देखिए करते हैं एक्स बटे दो जो कहते हो ले लिया, अब ये एक्स बटे तीन प्लस में है, इस तरफ किस में आएगा, माइनस में आएगा, लो ये माइनस में आ गया। अब देखिए ये एक बटे चार जो कहते हो गया, अब माइनस एक बटे पाँच तो माइनस में है, इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो हो गया एक बटे पाँच। हो गया कि नहीं हुआ, अब देखिए हो गया। अब फिर लेते हैं हम दोनों का क्या लेंगे, दोनों का हम लेंगे एलसीएम। अब दोनों का एलसीएम भाई तीन तो गलत है ना हमारा, तीन तो नहीं होगा, लेकिन तीन इंटू टू क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। तीन कोई नहीं लगाएगा क्योंकि इस बार दो अलग है, देखो तीन दो में नहीं आता है इसलिए तीन हो जाएगा, उस बार एक ही पहाड़ी में आते थे इसलिए वो छः कर दी, लेकिन अब इस बार नहीं होगा, क्या आएगा हमारा, सिक्स आएगा। देखिए करते हैं दो का क्या कहते हैं, छः से भाग देते हैं तो कितना आएगा, दो से दो तिहाई छः, तीन आएगा, तीन का गुणा कर देते हैं एक्स में तो हो जाएगा थ्री एक्स। अब देखिए तीन का गुणा फिर एक्स छः में करते हैं तो कितने बार, तीन दूनी छः, तो ये हो जाएगा टू एक्स, हो जाएगा कि नहीं होगा। अब देखिए फिर इनका एलसीएम लेंगे, तब इनका एलसीएम क्या आएगा, चार पंचे बीस, क्योंकि दोनों अलग अलग पहाड़ी में आएंगे, एक भी पहाड़ी में नहीं आता इसलिए दोनों क्या होगा, लासा अलग होगा, इनका एलसीएम आएगा बीस, तो चार पंचे बीस होता है, तो पाँच इधर आ जाएगा, चार इधर आ जाएगा, क्योंकि वो पाँच का डिवाइड करेंगे, पाँच को बीस होता है, चार को वन में इंटू करेंगे तो चार हो जाएगा। अब देखिए हो गया, अब देखिए इनका क्या करते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं, एक्स अपॉन सिक्स बचा, क्योंकि थ्री एक्स माइनस टू एक्स जाएंगे तो बचेंगे एक्स अपॉन सिक्स बचा, यहाँ हो जाएगा नाइन अपॉन ट्वेंटी। अब भाई अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, एक्स इंटू में है उस तरफ किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। चलिए चलते हैं डिवाइड में, एक्स बराबर लेके चलते हैं, नौ इंटू ये डिवाइड में है तो उसमें इंटू में हो जाएगा। अब काटते हैं कैसे काटा जाए, इसको कटना नहीं है, कटेगा ये कटेगा, किससे काटते हैं, दो से काटते हैं, दो से काटा, दो पंचे दस, दो एक कम दो, दस बार में चला गया, ये हो गया दो तिहाई छः, तीन बार में चला गया। अब ये बचा सत्ताईस बटे दस, कितना बचा हमारा, सत्ताईस बटे दस, यानी एक्स का मान निकला हमारा सत्ताईस बटे दस। चलिए तो हमारा एक्स का मान निकला है सत्ताईस बटे दस। अब भाई हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो इसकी हम उत्तर की जांच करेंगे, तो करते हैं उत्तर की जांच। चलिए लिखते हैं उत्तर की जांच, सब कोई लिखेगा उत्तर की जांच। अब भाई उत्तर की जांच कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, देखिए अब देखिए पहले हमने क्या लिखा, अपना समीकरण लिखा, लिखा कि नहीं लिखा, ये लिखा वन अपॉन फाइव, जो कहते हैं उतार दिया, हमारा समीकरण था ये हमारा समीकरण था क्या, एक्स बटे दो माइनस एक बटे पाँच बराबर एक्स बटे तीन प्लस एक बटे चार, ये हमारा क्या था, समीकरण था। अब देखिए ये हमारा क्या था, समीकरण। अब एक्स की जगह क्या रखना है हमें, सत्ताईस बटे दस रखना है, क्योंकि हमारा एक्स का मान कितना निकला, सत्ताईस बटे दस, तो रख के देखते हैं एक्स का मान की जगह सत्ताईस बटे दस इंटू में टू, ये तो माइनस वन अपॉन फाइव हो गया। अब देखिए एक्स की मान फिर रखते हैं सत्ताईस बटे दस अपॉन थ्री प्लस का एक बटे चार। अब भाई अब सब कोई घबरा जाते हैं ये सब देख के कि भाई इतने तीन तीन बटे में क्यों आ गए, तीन तीन बटे में क्यों आ गए, कुछ नहीं होता है, नीचे एक बटे और मान लेते हैं, सबके बटे में क्या मान लेते हैं, इसका क्या कर देते हैं पक्षांतर, तो किस तरह हो जाएगा, सत्ताईस बटे दस वन अपॉन टू, ये इस तरह क्या हो जाता है, पक्षांतर हो जाता है, हो जाता है क्यों, एक उठ के ऐसे ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन फाइव। अब देखिए फिर इसी तरह का नहीं, ये फिर ऊपर चला जाता है इस तरह, तो रखते हैं देखिए चलते हैं, सत्ताईस बटे दस इंटू में किया इसको, कितना हो जाएगा, एक अपॉन थ्री हो जाएगा प्लस वन अपॉन फोर हो जाएगा। देखिए अब हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो अभी इसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, ये हो जाएगा सत्ताईस बटे बीस माइनस वन अपॉन फाइव हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सत्ताईस बटे तीस प्लस वन बटे चार हो जाएगा, ये फाइव है ठीक है।
अब देखिए फिर इनका क्या लेते हैं एलसीएम, इनका एलसीएम क्या आएगा 20 आएगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में क्या आता है 20 आता है कि नहीं आता है, आता है बताओ हो जाएगा, क्योंकि 20 से कम 20 वे 5 चुको 20 तो 4 यहाँ आ जाएगा। देखिए इनका एलसीएम देखते हैं, तो इनका एलसीएम आएगा 3 चुको 12, इनका एलसीएम आएगा 120 आएगा, करके देख लीजिए 120 आएगा। अब 30 से 120 चार बार में जाएगा, तो ये 27 × 4 करते हैं तो कितना आंसर आता है हमारा 108 आता है। अब 108 आ गया, प्लस करेंगे भाई क्योंकि प्लस चिन्ह है, तो 4 से भाग देंगे 120 में, तो 30 बार में जाएगा, फिर 30 जो करते हुए लिख देंगे। अब देखिए फिर दिन का एलसीएम लेते हैं, जो करते हुए रखते हैं, ये हो जाएगा 23 भाई, इसको देखते हैं 120 138, अब ये सेम तो है नहीं, तो चलो देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है, काट के देखते हैं किससे काटे भाई, इसके लाने के लिए हम 6 से काटते हैं, किससे काटते हैं 6 से, तो 20 बार में चला जाएगा, क्योंकि 6 दूनी क्या होता है 12 होता है, 0 0 6 से काटते हैं 6 दूनी 12, 1 बचा 36 18। हाँ यार हमारा आंसर बिल्कुल क्या आ गया, सही आ गया, देखो सही आ गया बिल्कुल आंसर, ये अपना आंसर बिल्कुल क्या आ गया करेक्ट आ गया, यानी हमारा मेथड बिल्कुल सही है, जो हमने सवाल निकाला 27/10 x का मान हमारा बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। दूसरे सवाल की ओर आते हैं, हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है, कहता है n/2 − 3n/4 + 5n/6 = 21, ये हमारा क्या दिया है क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए किस तरह आसान इसको बनाते हैं, कुछ नहीं करना है, पहले देखिए 2, 4, 6 का क्या लेते हैं हम एलसीएम, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, आप ले सकते हैं साइड में कहीं से भी, इनका एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा। अब देखते हैं 2 को डिवाइड किया इससे तो 6 बार में जाएगा, 6 का इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 6n, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपना 6n हो जाएगा। अब देखिए अब ये हो गया, ये माइनस का चिन्ह जो करते हैं उतार देंगे, अब 4 का करते हैं, 4 3 12, 3 3 3 9n हो गया कि नहीं हुआ, ये प्लस का चिन्ह उतार दे 6 दूनी 12 यानी 10n = 21। अब देखिए अब प्लस प्लस ऐड कर लेते हैं, माइनस कर लेंगे तो इसका ऐड करते हैं तो ये हो जाएंगे 16n − 9n = 12 बचेगा, ये हो जाएगा 21। 12 को उस तरफ क्या करते हैं पक्षांतर करते हैं, तो करते हैं अब देखिए 16n − 9n को घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास 7n बचेगा, अब 12 को उस तरफ करेंगे तो 21 × 12। अब देखिए इनको पहले इंटू नहीं कीजिए, पहले इसको सरल बनाने के लिए 7 का 75 इस तरफ 75 कर लेते हैं, देखिए करते हैं n = 21 × 12 × 7। अब देखिए ये तो अब आसान हो गया, क्योंकि 7 से 21 चला जाना है, कितनी बार में 3 बार में, 3 × 7 = 21 होता है, तो एन बराबर बचेगा अपना 12 × 36, यानी हमारा एन बराबर बचा 12 × 36, यानी हमारा एन बराबर कितना बचा 12 × 36। अब भाई हमारा आंसर सही है कि नहीं, इसको कैसे पता लगाए, इसके लिए हम करेंगे उत्तर की जांच, चलिए करते हैं उत्तर की जांच 36, तो उत्तर की जांच हम लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे उत्तर की जांच, करते हैं उत्तर की जांच भाई, हम उत्तर की जांच करते हैं, करते हैं तो हमारा समीकरण क्या दिया था, समीकरण दिया था n/2 − 3n/4 + 5n/6 = 21, यानी 21। अब क्या करना है, n की जगह जहां n n है वहां लिख देना है n = 36, खाली उठा के मान रखना है, एक बहुत आसान, देखिए रखते हैं 36 रख दिया बटे 2 आ गया, 3 × 36 रख दिया बटे 4 आ गया, प्लस आ गया 5 × 36 रख दिया 6 आ गया। अब देखिए 2 से काटा कितनी बार में जाए, तो 1 × 2 = 18 × 2 = 36 चला गया, 4 नाम क्या होता है 36 होता है सर, 6 6 क्या होता है 36 होता है, 21 जो कहते हैं वो आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना 18। अब देखिए 9 3 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 5 6 30। अब देखिए प्लस प्लस फिर जोड़ लेते हैं कितना आ जाएगा, प्लस प्लस जोड़ा ये हो जाएगा अपना 48 − 27, 27 21 बचा। अब देखिए 8 में 7 जाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, 2 में 2 जाएंगे तो 1, यानी 21 × 21, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर है, यानी हमारा एन बराबर 36 बिल्कुल आंसर राइट है, ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, एन बराबर 36, क्योंकि हमारा ये उत्तर की जांच की हमने, तो 21 = 21 हमारा क्या बचा। चलिए फ्रेंड्स अगला हम तीसरा सवाल देखते हैं, हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है, कहता है हमारा तीसरा सवाल x + 7 − 8x/3 = 17/6 − 5x/2
टू। अब देखिए इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करते हैं, एक्स एक्स की संख्या इस एक तरफ ले लेते हैं और अंगों की संख्या उस तरफ ले लेते हैं। और ऐसा क्यों करेंगे, पक्षांतर करके करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, पक्षांतर करना सिखाते हैं। एक्स का तो जो होते हैं आगे, ये माइनस का 8x/3। अब ये माइनस का इस तरफ किसमें आएगा, तो प्लस में आ जाएगा, ये 5x/2 हो जाएगा। ये 17/6, ये प्लस में है 7, तो उस तरफ किसमें जाएगा, माइनस में। तो कुछ नहीं बटे में तो 1 मान लेते हैं भाई। अब बटे में इसके भी 1 मान लेते हैं, तो इनका क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 6 हो जाएगा, 6x-3×6 यानी 8×16x, 3×6 8×16x। कैसे आया, क्योंकि 3 का इसमें क्या किया, भाग दिया, कितना बचा 2, 2 का इसमें क्या कर दिया, गुणा, यानी 8×16x। अब 2 3 6 5 15x भाई, इसका एलसीएम लिया, 6 आया। अब 17 तो जो कहते हो आ गया, लेकिन इससे भाग देंगे तो किसमें आएगा, 6 6 6 7 42, कितना आया, 6 7 42 आया, 6 7 42 आया। अब देखिए प्लस 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 कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 15 में 6 प्लस कर दिए तो 21x-16x/6 ये हो जाएगा माइनस, कितना आएगा, यहाँ बचेगा 25, कितना बचेगा 24/6 बचा कि नहीं बचा, कुछ नहीं करना। देखिए अपॉन से अपॉन क्या कर देते हैं हम लोग, काट देते हैं, क्योंकि उसमें जाएगा तो मल्टी में कट जाएगा। अब देख 25 पता चला ना कहाँ से आया, इनके इनको घटाया, कितना आया हमारा 25 आया। किसका आया 25, किसका आया भाई लोग 25, 25 आया हमारा माइनस का। क्यों आया, क्योंकि देखो ये तो गलती हो जाती, क्योंकि चिन्ह हमारा किसका बड़ा है, माइनस का बड़ा है, इसलिए हमारा क्या आया 25 आया। अब देखिए 21 में 16 जाएंगे कितना बचेगा, यहाँ 16x कर लेते हैं, सॉरी 21 में से 16x जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 5x बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ बचा 25, x बराबर हो जाएगा -25/5 यानी x बराबर हमारा निकला है, कितना निकला है, x बराबर निकला है -5। हमारा आंसर क्या निकला, x बराबर -5 हमारा क्या निकला, आंसर निकला हमारा x बराबर निकला। अब क्या करते हैं, हम उत्तर की जांच करते हैं, क्या करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच कैसे करते हैं, उत्तर की जांच सबसे पहले देखें हमारा समीकरण क्या था। देख बोले भाई हमारा समीकरण क्या था, वो था -8/x/3=17/6-5x/2। ये था, अब हम x बराबर कितना निकला हमारा, -5 निकला भाई, तो रखते हैं भाई हमारा -5। अब 8×-5 देखो 3=17/6-5-5 देखो यहाँ तो 5 है ना, ये देखो यहाँ तो क्या था हमारा, 5 था/2, ये हमारा यहाँ पे चिन्ह क्या था, 5 था, ये हमारा कोष्टक से अलग आया है कि नहीं आया है, हाँ आया है। देखिए इसको करते हैं कितना बचेगा, 2 बचेगा, 8×5=40/3 भैया। अब 17/6 भाई, ये कहेंगे माइनस माइनस प्लस होता है सर जी, इंटू होता है, चिन्ह किसका आएगा सर जी, चिन्ह आएगा बाबू प्लस का आएगा, क्योंकि देखो माइनस इनका इनका इंटू करेंगे क्या आएगा, माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। अब भाई कुछ नहीं, बटे में 1 मान लेते हैं, 3 लेते हैं, 6×40 हो जाएगा सर जी। अब 6 दूनी, नहीं भाई 6×12 नहीं करना, अब क्यों नहीं करना, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 आता है, इसलिए 6×12 नहीं करना है। 3×75 हो गया भाई। अब लोग अब कैसे करेंगे सर जी, करते हैं ना, क्यों डरते हो, क्या करते हैं, 6 में से -40 गई तो कितना बचा भाई, कितना बचा बताना, कितना बचा, सॉरी 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 सॉरी, ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए, देखिए प्लस प्लस होता था यहाँ, चिन्ह किसका आएगा भाई, प्लस का। देखो मैंने भी एक गलती कर दी ना, आप लोग ये गलती मत करिएगा, क्योंकि प्लस का आएगा, देखिए अपना आगे आंसर नहीं आता, ये हो जाएगा 46/3 हो जाता, कितना हो जाता, 46/3। अब 7×5 कितना होता है, 12 होता है सर, हासिल किए 1 7 1 8 1 9, 92/6। अब सर जी भी ये तो बराबर नहीं आया ना, आएगा बराबर, किससे काटेंगे, 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 3 6, ये हमारा आंसर आ गया ना, बिल्कुल राइट, यानी हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है।